हेलो दोस्तों, हमारे चैनल में आपका स्वागत है। और आज की वीडियो में हम लोग कंबाइन को कैसे चलाते हैं वो दिखाएंगे। तो जो यूज़र ने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और भी अच्छी अच्छी वीडियोस के लिए, और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। तो हमारे कुछ यूज़र बोल रहे थे कि कंबाइन पे वीडियो बनाओ वीडियो बनाओ, तो हम लोगों ने कंबाइन पर शूट किया है, आपके लिए लेके आ रहे हैं। सो गाइस, देखिए, जैसा कि आप जानते हैं, कोई भी गैजेट हो जिसको स्टार्ट करने के लिए सबसे पहले उसको ऑन करना पड़ता है। तो ये है इसकी स्विच, कंबाइन की ये है स्विच, इसको हम लोग ऑन करेंगे। सो गाइस, ये क्लच है, जैसे कि देखते हैं, ऑन करने के बाद क्लच बहुत इंपॉर्टेंट होता है जो कि गियर लगाने में। ये है क्लच इसका, चल। और जैसा कि देख सकते हैं गाइस, ये है हमारा ब्रेक, बहुत ही महत्वपूर्ण चीज़ जो होती है इसमें, ये है ब्रेक, ये हमारे राइट साइड में है। तो गाइस, जैसे देख सकते हैं आप, इसमें तीन तरह के गियर दिए हुए हैं। ये पहला वाला है, ये एक्सलेटर है, इससे मतलब इसे मशीन को चोक में करते हैं, इसलिए सॉरी चोक नहीं, स्पीड इंजन की इससे मतलब रिड्यूस करते हैं। तो और ये दूसरा जो है, इससे हाई लो करते हैं, जैसे अपनी मशीन चल रही है तो इसको धीरे करना है, एक्सलेटर धीरे करना है, तो इसको पीछे कर देंगे तो धीरे हो जाएगी। और जैसा तीसरा ये देख सकते हैं, ये कटर बार है, आगे की साइड में ये रहता है, इसको ऊपर नीचे करने से वो ऊपर नीचे होता है। सो गाइस, जैसे आप देख सकते हैं, ये सब जो है इसमें सब मीटर लगा हुआ है, ये नॉर्मली हर चीज़ में होता है, हर गैजेट में होता है। और ये देख सकते हैं आप, सारी लाइट की स्विचें हैं, इतनी सारी लाइट लगी हुई है, हॉर्न की स्विच है। और ये थ्रेसर है, जिसको मतलब कम ज़्यादा करने के लिए, अगर आपको कम करना है तो इस साइड लेके जाइए, ज़्यादा करना है तो उसको नीचे लेके जाइए। सो गाइस, ये देख सकते हैं, जैसे यहाँ पे ये ग्लास का वो लगा हुआ है, इसके अंदर ट्रांसपेरेंट ग्लास होता है ये, इससे जैसे अंदर जो होती है, जैसे कटाई के टाइम पे जो जो भी होता है अनाज होता है, उसको हम लोग यहाँ से देख सकते हैं, जो ड्राइवर होते हैं इजीली देख सकते हैं, बार बार अंदर आगे पीछे जाने की जरूरत नहीं, इसके लिए दिया है, बहुत अच्छी चीज़ है ये, इसको देख सकते हैं। तो गाइस, ये है, इससे हम मशीन को स्टॉप करते हैं, जैसा कि यहाँ पे लिखा हुआ है। अब जो आती है मशीन नहीं, उसमें सारे फीचर्स के बारे में आपको लिखा हुआ मिलेगा, लेकिन फिर भी हम आपकी जानकारी के लिए बताना चाहेंगे, ये बंद करने के लिए यूज होता है, इसको इधर कर दिया तो मशीन ऑफ हो जाती है। सो गाइस, ये देखिए, ये बास्केट का लीवर है, इसको नीचे करते ही कटाई के टाइम पे बास्केट अपने आप लग जाती है, इसको हम लोग नीचे करेंगे, अभी नहीं इस्तेमाल होगा, जब मशीन ऑन होती है तो ये काम करेगा, इसको नीचे करने पे बास्केट ऑन हो जाएगी। सो गाइस, ये दूसरा लीवर जो है, ये थ्रेसर को ऑन ऑफ करने के लिए है, इसको नीचे कर देंगे तो ये ऑन हो जाएगा, फिलहाल ये ऑफ है, तो ये सब ऑन होने के टाइम पे यूज होता है। और छपा हुआ है, जब अनाज हो जाता है तो उसको मतलब गिराने के लिए, उसको मतलब टंकी खाली करने के लिए ये लीवर चलाते हैं, तो वो अपने आप जो भी अनाज होता है वो बाहर की तरफ गिरने लगता है। और ये चौथा और आखिरी लीवर जो है, ये कटर को चलाने के लिए यूज़ किया जाता है, ये मतलब रिड्यूसली होता है इसमें, इसको यूज़ करने के लिए वो है, ये दिया हुआ है, ये लीवर मेरा यही दिखा। तो ये देखिए, ट्यूब जो है हमारा अभी लॉक है, वो जो मतलब जिससे अनाज गिरता है उसको, वो अभी उसका ये लीवर यहाँ पे है, ये है, इसको देखिए, इसको हम लोग इधर कर देंगे तो वहाँ से अनलॉक हो जाएगा, जैसा कि आप देख सकते हैं वहाँ पे अनलॉक हो रहा है, वो देखिए एक जो आ रहा है सामने, वो उसको और तेज से फोर्स करेंगे तो वो आ जाएगा बाहर वो। सो गाइस, ये देख सकते हैं, जैसा कि ये टैंक है हमारा, 15 क्विंटल इसमें अनाज आ सकता है, और ये बिल्कुल पीछे होता है जहाँ पे मतलब ड्राइविंग सीट के बिल्कुल पीछे। ये देख सकते हैं हमारा एस सीरीज का इंजन है, जो कि हमारे कंबाइन का मतलब ये है बीच का बिल्कुल हिस्सा। अभी जो भी दोस्तों नई कंबाइन आ रही है, सब में आपको यही इंजन देखने को मिलेगा, इसी प्रकार के थोड़ा लाइट इंजन होता है, और आजकल यही न्यू टेक्नोलॉजी है तो यही यूज़ हो रहा है। गाइस, ये देखिए, ये 2014 मॉडल प्रीत है, पुरानी वाली ये प्रीत है, इसमें खुद का प्रीत वालों ने खुद का इंजन डाला हुआ है इसमें, और ये 2014 मॉडल है ये। और अभी जिसके बारे में मैंने आपको, ये देखिए, इसके बारे में मैंने बताया, अभी आपको 2019 मॉडल है। तो हमारे पास तीन कंबाइन है, एक ये खड़ी हुई है, एक ये है, और एक वो उधर सामने आपको देखने को मिलेगी, और पीछे ये सारे कटर बार हैं। तो दोस्तों, अगर आपने हमारी वीडियो को अच्छी लगी आपको, तो लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करना ना भूलिए। थैंक यू वेरी मच गाइस।